हेलो, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग तलेगांव MIDC में हैं और MIDC के अंदर एक सोसाइटी है एक्सबीरिया, मतलब यहाँ से MIDC स्टार्ट होती है आगे से। हम अभी सोसाइटी के अंदर हैं, देख सकते हो सोसाइटी अभी कितना अच्छा है। तो ये बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग है पीछे। तो मैं एक रूम में जा कर के दिखाता हूँ यहाँ का रूम कैसा है, रेंट कितना है रूम का और आपको कितना डिपॉजिट लगेगा। तो चलिए मैं आपको रूम टूर कराता हूँ इस सोसाइटी का। अभी हम लोग A4 बिल्डिंग में हैं। यहाँ का लिफ्ट बंद है तो अभी हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग है ये A4, हमको लगता है ज़्यादातर यहाँ पे बैचलर लोग रहते हैं इसलिए थोड़ा सा गंदा है। तो अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं और हमें दोस्तों साथ भेजा गया था। तो ये है 207 नंबर रूम। रूम ऐसा है, ये यहाँ पे किचन है और यहाँ पे बाथरूम है और ये हॉल है। ये क्या है, ये बालकनी है। तो ये जो रूम है ये 1 RK का रूम है और ये 1 RK का रूम है और इसका जो रेंट है 5000 है और 10000 इसका डिपॉजिट है और 5000 रुपया ब्रोकर चार्ज है। पुणे में यदि आपको किसी भी जगह रूम चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो आपको 1 महीने की जो रेंट होती है वो ब्रोकर को देना पड़ता है। तो इसका 5000 रुपया ब्रोकर चार्ज है और 5000 रुपया रेंट है और 10000 रुपया डिपॉजिट है। तो ऐसा ये एक सैंपल रूम है 1 RK का, ये रूम नहीं है। यदि आप इस सोसाइटी में रूम लेना चाहते हो तो ऐसा 1 RK का रूम मिलेगा, रूम काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हमने रूम देख लिया और ये जो बिल्डिंग है A4, यहाँ पे ज़्यादातर बैचलर लोग रहते हैं तो हमें एक सैंपल के रूप में दिखाया गया था। चलिए फिर निकलते किसी और नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।